आवरण थोप नहीं सकते हो। जनता का राज चलेगा, जनता जो चाहेगी वो आपको लाना पड़ेगा, जनता जिस चीज़ को रिजेक्ट करेगी उसको आपको रिजेक्ट करना पड़ेगा। डेमोक्रेसी इज टू द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ये लोगों के लिए है, लोगों के लिए सारी चीज़ें होनी चाहिए। लोगों के खिलाफ अगर आप कोई भी चीज़ लेके आएंगे तो वो लोग आपका बायकॉट करेंगे, आपको सत्ता से गिरा भी देंगे। आपसे दूसरा सवाल ये है कि CAA नागरिकों के खिलाफ कैसे? दरअसल CAA नागरिकों के लिए नहीं है, यहाँ के नागरिकों के लिए नहीं है। CAA अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान से जो लोग आए हैं 2014 से पहले, नॉन मुस्लिम, गैर मुस्लिम तादाद, वो उन लोगों के लिए है। वो दिखाएंगे कि हाँ भाई, हम बांग्लादेशी हैं, हम पाकिस्तानी, हम अफगानिस्तानी हैं, और हम हिंदुस्तान में 2014 से पहले आए हैं। तो उन लोगों के लिए और हमारी इनकम में से, हमारी एम्प्लॉयमेंट, हमारी रोज़गार में से, हमारी ज़मीन जायदाद में से बंटवारा होगा, जो उन लोगों को देना पड़ेगा। दरअसल हिंदुस्तान की सरकार यहाँ के लोगों को जब फुलफ़िल नहीं कर पा रही है, यहाँ की लोगों की नीड्स को फुलफ़िल नहीं कर पा रही है, तो फिर हम बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से आए लोगों को कैसे देंगे? आप यहाँ की गरीबी को दूर करिए, आप यहाँ की लोगों को रोज़गार दीजिए, हम कैसे इस बात पर इकरार कर लें कि आप पाकिस्तान के लोगों को यहाँ आ करके रोज़गार देंगे, यहाँ आ करके बसाएंगे, यहाँ आ करके उनको सारी तरह की सहूलियात देंगे? आप इस एक्ट को किस हिसाब से देखते हैं? नागरिकता देने के लिए इससे पहले भी कानून था कि 6 साल के बाद या 8 साल के बाद जब भारत में रह जाता है तो वो नागरिकता ले सकता है, वो चीज़ है। लेकिन ये सारा चीज़ दरअसल इसलिए लाया जा रहा है ताकि जो मेन मसलों मसाइल हिंदुस्तान में, गरीबी बढ़ते जा रही है, बेरोजगारी चरम पर है, सारी चीज़ें हम आज देख रहे हैं कि इकोनॉमी की क्या हालत है, GDP पूरा का पूरा डिप्रेशन में है, रिसेशन का स्टेज आ चुका है। तो इस वक्त इन मसलों मसाइल को दूर करने के लिए और जनता को इन मसलों मसाइल और इन मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इन चीज़ों को लाया जाता है। और दरअसल अभी आपने देखा कि असम का क्या हाल हुआ, बहुत कहते थे मोदी जी की घुसपैठियाँ हैं, देख लिया घुसपैठी कौन है। फिर उन लोगों को नागरिकता देने के लिए ये CAA लाया जा रहा है, उनका मकसद ये भी है। अच्छा, नीतीश की पार्टी को कुछ ही मेंबर पहले सपोर्ट करते हैं जहां वो रोक सकते थे सच्चाई तौर पर, जैसे लोकसभा में और राज्यसभा में, लेकिन उनके पार्टी के मेंबर वहां तो सपोर्ट कर देते हैं और सारी वोट उसके मुवाफिक में जाती है, CAA के मुवाफिक में जाती है, लेकिन बाहर के कुछ मेंबर किस लिए? दरअसल नीतीश कुमार पूरी जनता को, पूरी इस बिहार की जनता को बेवकूफ़ बना रहा है। वो ये कहता है कि हम NRC को इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। दरअसल नीतीश कुमार के पास ऐसी ताकत है कि आप सिर्फ NRC को स्टे कर सकते हैं, कुछ दिनों के लिए स्टे कर सकते हैं। तो इनके विधायक जन जो भी हैं, ये तरह तरह के बयानबाजी करते रहते हैं, लेकिन इनके बयानबाजी से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। जब सेंट्रल गवर्नमेंट इस चीज़ को पास कर देती है तो स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है कि वो उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करे, वो उस चीज़ को लागू करे, सिर्फ वो कोर्ट का स्टे लेकर के या स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से स्टे लेकर के कुछ दिन के लिए रोक लगा सकती है, लेकिन उसके बाद रोक नहीं लगा सकती है। पर आपने देखा बिहार में बेरोजगारी चरम पर है, सारी चीज़ें चरम पर है। आज नीतीश कुमार इन चीज़ों को, इन मसलों मसाइल को दूर करने के बजाय ये CAA और NRC पर इनके नेता, इनके विधायक बयानबाजी कर रहे हैं, ये भी एक मसला है। अच्छा, ये इस हिसाब से किस हिसाब से रिलेटेड है या नहीं, आप समझ रहे हैं या नहीं? दरअसल पूरी बात होने दीजिए, पूछ ये रहा हूँ कि जब मंडल कमीशन लाया गया तो राम मंदिर की, बाबरी मस्जिद की ध्वस्त करवाया गया, तो क्या ये भी एक मुद्दा नहीं है कि बाबरी मस्जिद का मामला तो ख़त्म हो गया, फैसला जो होना तो हो गया, तो क्या NRC के जरिए फिर हिंदुत्व को बढ़ावा देकर के तमाम कहते हैं मुस्लिम का वोट एक तरफ लेना चाहता है? वो चीज़ तो है ही, क्योंकि कोई भी बड़ी पार्टी है वो हमेशा वोट बैंक की बेसिस पर चलती है कि उसका वोट बैंक एक पर्टिकुलर रिलीजन हो। वही चीज़ BJP करते आ रही है, ये आज की नहीं है, ये 1950 से ही करते आ रही है BJP। इसके पहले जो इनका ऑर्गेनाइजेशन भारतीय जनसंघ था, इनका जो असल मकसद है कि हम एक खास फिरके को, एक खास धर्म को टारगेट करके उसके वोट बैंक को खींच लें और बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से आ रहे लोगों को नागरिकता दे दें ताकि उनका वोट बैंक बढ़ जाए, एक खास कौम का वोट बैंक बढ़ जाए और इससे वो आगे का 100 साल का फैसला कर सकें कि कौन भाई सत्ता में रहेगा। नागरिकता देने पर तो पहले वाली भी कानून बहुत हद तक सही था, इसको लाने की हाँ मैंने पहले भी बताया, इस चीज़ का जिक्र किया कि दरअसल इन सारे कानून की ज़रूरत क्यों पड़ती है। इन सारे कानून की इस वक्त इसलिए ज़रूरत पड़ी क्योंकि इंडिया में, हिंदुस्तान में बहुत सारे मसलों मसाइल चल रहे हैं। उन मसलों मसाइल को जनता के ध्यान से, पब्लिक अवाम की रोशनी से दूर करने के लिए इन चीज़ों को लाया जाता है। इनका कोई बेस नहीं है, इनका कोई काम नहीं है, इनसे NRC CAA से हिंदुस्तान के लोगों को कोई फ़ायदा नहीं होने वाला,
कोई किसी भी तरह का था। हाल ही में रात को गृह मंत्री अमित शाह जी न्यूज चैनलों में आकर के कहते हैं कि एनआरसी नहीं बल्कि एनपीआर लागू होगा। जी जी तो एनआरपी को आप किस हिसाब से देख रहे हैं? एनपीआर जो है नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, ये एनआरसी से पहले का प्रोसेस है जिसमें लोगों को एक सरकारी अधिकारी या सरकारी ऑफिसर आकर के घर के जो डिटेल्स हैं फैमिली मेंबर्स की डिटेल वो लेता है। ये पूरा का पूरा सेंसस का प्रोसीजर है। एनपीआर से हमारा नुकसान नहीं है लेकिन एनपीआर का रिलेशन है एनआरसी से। एनपीआर का जो डिटेल्स है उसको यूज़ किया जा सकता है। ये सरकार अभी साफ साफ इस बात से इनकार कर रही है कि एनपीआर का कोई लेना देना एनआरसी से नहीं है, लेकिन दरअसल इसको इस्तेमाल किया जाएगा क्योंकि अमित शाह जी ने डेडलाइन दे दिया 2024 तक हम एनआरसी को पूरे हिंदुस्तान भर में इम्प्लीमेंट करके रखेंगे। तो मुझे नहीं लगता है कि कोई एनआरसी को रोक पाएगा। अगर जनता, अगर अवाम पूरी तरीके से जिस तरह से आज सलमारी में ये जो पूरा प्रोग्राम हो रहा है इतनी भीड़ के साथ अगर अवाम इसका बायकॉट करे तो सरकार को इस कानून एनआरसी और सीए को वापस लेना पड़ेगा। फिर क्या ज़रूरत पड़ गई एनपीआर की जबकि हर 10 सालों में सेंसस होता ही है? जी एनपीआर का लेना देना सेंसस से ही है लगभग, क्योंकि एक ऐसा रजिस्टर है जिसमें पॉपुलेशन जो तादाद है यहाँ की आबादी उसकी जानकारी ली जाती है कि आप 6 महीना तक इस जगह पे रह रहे हैं तो आप उनकी डिटेल्स दीजिए। आप इस जगह पे 6 महीने तक रह रहे हैं तो उस चीज़ की जानकारी एनपीआर के थ्रू मिलती है। ये सिटीजनशिप स्टेटस नहीं देता है, ये रेसिडेंशियल स्टेटस देता है कि आप यहाँ पे रह रहे हैं बस, किसी मुल्क की नागरिकता इससे नहीं दी जाती है। ठीक है, शुक्रिया आपका। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नाम लेकिन वो रजू साकिब साबिक रुकने का भी।